अयोध्या में राम मंदिर में हुआ समारोह वाकई बहुत बड़ा था, भव्य था। रामलला के दर्शन के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया से मेहमान अयोध्या आए। भगवान राम की चौखट पर कौन कौन पहुंचा, किसने क्या मांगा, किसने क्या कहा, ये दिखाने के लिए आपको सीधे ले चलते हैं भगवान श्री राम के आंगन में। जय श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण अजानु भोज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषण इति वदती तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल कंजन। जिनके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट, कानों में कुंडल, भाल पर सुंदर तिलक और प्रत्येक अंग में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, जो धनुष बाण लिए हुए हैं, जिन्होंने संग्राम में खर दूषण को जीत लिया है, जो शिव शेष और मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले और काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, तुलसीदास प्रार्थना करते हैं कि वो श्री रघुवर नाथ जी मेरे हृदय कमल में सदा निवास करें। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे लाल रामलला अभी दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। कौन नहीं आया आराध्य राम के दर्शन करने, पूरा देश उमड़ पड़ा, हर आंख ने देखा, हर दिल ने महसूस किया, हर कान ने राम सुना। अद्भुत विलक्षण ऐतिहासिक गौरव में जितने भी विशेषण आप दे सके, भारत वर्ष ने आज वो दृश्य देखा जिसके लिए 500 साल लंबी पत्थर कर देने वाली प्रतीक्षा करनी पड़ी। 22 जनवरी 2024 के दिन आखिरकार वो क्षण आया जब राम के देश में राम की जन्मभूमि पर राम जी विराज रहे हैं, साक्षात भक्तों की आंखों के सामने। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य तो इतने भाव विभोर हो गए कि मुख से कुछ बोल ही नहीं पाए। गर्भगृह में पूजा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत थे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। देश से विदेश से गांव से शहर से मठ से उत्तर से दक्षिण से भारत वर्ष के कोने कोने से मेहमान अयोध्या पहुंचे। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रजनीकांत, हेमा मालिनी, चिरंजीवी, माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर, रविंद्र जडेजा, मालिनी अवस्थी, अनिल कुंबले, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, संजय लीला भंसाली, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कंगना रनौत, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, मधुर भंडारकर, रोहित शेट्टी, योग गुरु बाबा रामदेव। 7,000 से ज्यादा मेहमान अयोध्या पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब आरती हुई
उस समय इन मेहमानों का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मेहमानों के लिए सुरक्षा के उत्तम स्तर के प्रबंध किए गए थे। मेहमानों का जहां गेट बना था वहां से मंदिर परिसर में एंट्री सिर्फ QR कोड दिखाकर ही हुई। इन मेहमानों को बारी बारी से दर्शन का मौका मिला। पहले संत समाज ने प्रभु राम लला के दर्शन किए, उसके बाद VVIP मेहमानों को दर्शन का मौका मिला। जिसके लिए इंतजार था वो आज पूरा हुआ और ये इतना अच्छा एक कार्यक्रम का हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। कई राज्यों ने आज के दिन छुट्टी रखी थी, केंद्र सरकार ने भी आधे दिन की छुट्टी घोषित किया था। सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या में वाहनों की एंट्री पहले से ही बैन थी। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर थी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बिना किसी बाधा के ही संपन्न हुआ। न्यूज 18 इंडिया के अमीश देवगन और रोबिका लियाकत भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बने। इस दौरान वहां पहुंची कुछ हस्तियों से रोबिका लियाकत ने बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ अरुण योगीराज मौजूद हैं, जिनकी खूबसूरत मूर्ति आपने रामलला के रूप में देखी है। अब तो प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। धन्यवाद। लेकिन कैसी अनुभूति थी, आप राम मंदिर के ठीक सामने खड़े हैं और उसी राम मंदिर के गर्भगृह में वो मूर्ति है जिसे जिसे आपने बनाया है। मैंने बहुत छोटा काम बनाया है मगर देश का दिल में लल्ला का प्यार बढ़ा है, इसलिए आपको काम बड़ा दिख रहा है। बस